ये बड़ी खबर सबसे पहले देखिए आप, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत, डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है ओमिक्रॉन। बड़ी खबर, कर्नाटक में नए वेरिएंट के खौफ से मिनी लॉकडाउन लगाया गया है। कर्नाटक सरकार ने सभी तरह के इवेंट्स पर दो महीने तक की रोक लगा दी है। सभी सामाजिक सांस्कृतिक समारोहों पर रोक लगा दी गई है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और अकेडमिक इवेंट्स पर भी रोक लगा दी गई है। कोरोना के नए वेरिएंट पर इसराइल से बड़ी खबर आई है। इसराइल ने विदेशियों के लिए बॉर्डर बंद किए। ओमिक्रॉन वेरिएंट की आशंका के चलते बॉर्डर को बंद किया गया। बूस्टर डोज ले चुके लोगों में भी नए वेरिएंट का संक्रमण देखा गया। तो अभी तो भारत में बूस्टर डोज पर बात ही हो रही है, लगेगी नहीं लगेगी बहुत दूर की बात है। और जो लोग बूस्टर डोज जिन देशों में दे दिया गया वहां भी इसका खतरा दिखा है। WHO ने खतरनाक ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है। दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन को लेकर हिदायतें बढ़ी हैं। और अब क्या एक बार फिर से कोरोना 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 के नए वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ी फिक्र, वैक्सीन से भी बच निकल सकता है ओमिक्रॉन वेरिएंट। नए वेरिएंट के ऊपर शुरू हुआ वैक्सीन के असर का शोध। ओमिक्रॉन के खिलाफ वैक्सीन की एफिकेसी कम होने का भी खतरा है। सभी दर्शक हैं, प्लीज सावधान हो जाइए, बहुत खबरदार रहने की जरूरत है आप सभी को, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट है ये सभी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। और जो हालात हैं वो हालात कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। राजस्थान में कल से कंप्लीट लॉकडाउन लगने जा रहा है। पुदुचेरी में भी कल से लॉकडाउन लगेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कहा है कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प है नहीं हमारे पास इस चेन को तोड़ने का। और यही चीज दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। लॉकडाउन